झुंझुनू में अभी तक 8 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि भीलवाड़ा और जयपुर की तरह कोई कम्युनिटी स्प्रेड का केस नहीं है। झुंझुनू एडीएम और सीएमएचओ ने जिले के हालातों के बारे में बताया और नए फैसलों को लेकर भी जानकारी दी। झुंझुनू एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार से मिले आदेशों के बाद झुंझुनू जिले के सभी नियोक्ताओं को पाबंद कर दिया गया कि उनके यहां काम करने वाले दूसरे राज्यों के मजदूरों को कहीं पर भी नहीं भेजा जाएगा। उनके खाने और आवास की जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसी के साथ उन्हें ना तो नौकरी से निकाला जाएगा और ना ही मजदूरी उनकी बंद की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में खाद्य सामग्री के वाहनों की आवाजाही पर रोक संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसके बाद भी कलेक्टर यूडी खान की ओर से एसपी जेसी शर्मा को पत्र लिखा गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी खाद्य सामग्री के वाहन को ना रोकने के आदेश अब दिए गए हैं। जिले में मेडिकल विभाग द्वारा पूरे जिले का सर्वे किया जा चुका है। इसके अलावा जो लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति हुई थी, उसमें पिछले दो दिनों से जो श्रमिक लोग जो अन्य स्टेटों से आए हुए थे और जहां फंस गए थे, वो जो कल तक जो जा चुके थे, जिनके लिए हमने व्यवस्थाएं की थी, उसके अतिरिक्त जो भी यहाँ 1000 के आसपास जो मजदूर बचे हुए हैं, उनके लिए आज यहाँ आदेश जारी किया है कि उनके जो नियोक्ता हैं, चाहे वो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हों या चार के अंडर में काम कर रहे हैं, उनको आज पाबंद किया गया है लिखित में कि वो अपने मजदूरों का ना तो वेतन काटेंगे और पूरा उनको खाद्य सामग्री वगैरह जो उनको आवास की जो सुविधाएं उनको निरंतर जारी रहेंगी, और इसके अतिरिक्त अगर उनको कोई मेडिकल में कोई असुविधा होती है तो निश्चित रूप से हमसे वो संपर्क कर सकते हैं।